नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज लाइव। मैं हूं अजीमुद्दीन खान। इस वक्त हम रुक करते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबर की तरफ। आप हमसे जुड़े रहें दुनिया की खबरें देखने के लिए। दिनेश कार्तिक ने विजय हमारी ट्रॉफी के आयोजक पर साधा निशाना, ट्विटर पर कर दिया बड़ा सवाल। वसीम अकरम हुए इमोशनल, कहा दुनिया मुझे मानती है बेस्ट बॉलर, लेकिन पाकिस्तान में फिक्सर कहते हैं। मंगलुरु विस्फोट, आरोपी ने माचिस की तिलिया से लिया फास्फोरस, कुछ सामान मंगाया अमेजन से। राजस्थान में सर्दी डालने लगी डेरा, तापमान में गिरावट जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा 5.6 डिग्री। बिहार के दरभंगा में 164 करोड़ की लागत से तारामंडल बन रहा है, जो कि लोगों को विज्ञान संग्रहालय के साथ खगोलीय ज्ञान और तारों की सैर कराएगा। प्रेमिका का मर्डर का शव के 6 टुकड़े करने वाले हत्यारे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा। नोएडा कोरोना काल में मरीज की हुई थी मौत, अब यथार्थ हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों पर रिपोर्ट दर्ज। खतौली विधानसभा उपचुनाव, श्रीकांत त्यागी का खतौला में डेरा, भाजपा की मुश्किलें बढ़ी। बनारस में हुई यूपी पुलिस के एनकाउंटर में बिहार के 2 कुख्यात भाई ढेर, तीसरा फरार। मैनपुरी की सीट सपा हार गई तो लोकसभा से मुलायम परिवार के प्रतिनिधित्व का सफाया हो जाएगा। 2019 में सपा ने 5 सीटें जीती थी, आजमगढ़, मैनपुरी, रामपुर, मुरादाबाद और संभल।